एशियन पेंट्स, एक ऐसी कंपनी जिसके पास आज इंडिया के पेंट मार्केट का लगभग 53% मार्केट शेयर है। एंड इनफैक्ट अगर आज आप इंडिया के अंदर बिकने वाला जितना भी डेकोरेटिव पेंट देखोगे ना, उसमें से 60% सिर्फ एशियन पेंट्स बनाता है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इनफैक्ट साल 1967 में भी एशियन पेंट्स हमारे देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन चुकी थी। और आज वो समय है जब $35.69 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ एशियन पेंट्स पूरे साउथ एशिया की मार्केट की नंबर वन कंपनी बन चुकी है। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू था 29,953 करोड़, जहाँ पे इस कंपनी ने 6,388 करोड़ का प्रॉफिट किया था। पर सवाल ये कि इस कंपनी ने आखिर ये सब कुछ किया कैसे, वो कौन कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज थी जो एशियन पेंट्स ने इस्तेमाल करी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन हैं जिसको हम इस केस स्टडी से सीख कर अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1942 में, जब वर्ल्ड वॉर टू अपनी पीक पर चल रहा था और जर्मनी ने यूरोप के काफी सारे हिस्सों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। अब हुआ यूं कि जब यूरोप में ये सब चल रहा था तो भारत के अंदर भी अंग्रेज छोड़ो कैंपेन चालू हो चुका था, और हम लोग भी ब्रिटिशर्स से लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे। अब इस कैंपेन से होता ही है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर आने वाला जितना भी पेंट था ना, उसके सारे इम्पोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, जिस वजह से इंडिया के अंदर जितना भी पेंट की रिक्वायरमेंट थी उसका सारा लोड शालीमार और बाकी कुछ फॉरेन ब्रांड्स के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर पेंट की डिमांड तो बहुत थी पर सप्लाई मीट नहीं हो पा रही थी। और फिर क्या, भारत में इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए चार गुजराती दोस्त, चंपकलाल चौकसी, चमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वाकिल, ये चार लोग मिलकर अपनी एक पेंट कंपनी शुरू करते हैं। और 1 फरवरी 1942 को ये चार दोस्त मिलकर एक छोटे से गैराज से अपनी एक ऑयल पेंट कंपनी शुरू करते हैं, जिसका नाम पड़ता है एशियन ऑयल एंड पेंट कंपनी। जिसके बाद ये लोग जल्दी से जल्दी अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, क्योंकि उस वक्त पर तमिलनाडु के अंदर एक फेस्टिवल होने वाला था जहां पर बैलों की सींगों को रंगा जाता है, जिस वजह से पेंट की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली थी। और इसी चीज को समझते हुए ये चार लोग मिलकर पेंट बनाते हैं और गांव-गांव में छोटी छोटी क्वांटिटीज में बेचने निकल जाते हैं, जहां पर इनको मिलता है अपना पहला कस्टमर बेस। पर फिर धीरे धीरे इन चार दोस्तों को समझ में आया कि हमें अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स लाने चाहिए, तो ये लोग धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और देखते ही देखते सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर साल 1952 आते आते एशियन पेंट्स टोटल 23 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि 1950s के अंदर चंपकलाल चौकसी ने ना इंडिया की जो डेकोरेटिव पेंट्स की मार्केट है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा गैप आइडेंटिफाई किया। उन्होंने ये देखा कि एक तरफ तो है ड्राई डिस्टेंपर जो कि काफी ज्यादा सस्ता आता है लेकिन वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, वहीं पर दूसरी तरफ आता है प्लास्टिक इमल्शन जो कि इतना ज्यादा महंगा है कि हमारे देश के कुछ अमीर लोग ही उसे अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी चीज को पकड़ते हुए एशियन पेंट्स एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो कि ड्राई डिस्टेंपर और प्लास्टिक इमल्शन के बीच का प्रोडक्ट हो, ताकि ना तो वो इतना महंगा हो कि उसे कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और वो जो ड्राई डिस्टेंपर बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना, उससे ज्यादा चले भी, ताकि लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो। और जैसे ये प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि इससे पहले इंडियन मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन आज अगर आप देखो तो एशियन पेंट्स के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबके पास अपने अपने अलग अलग टाइप के वॉशेबल डिस्टेंपर्स हैं, यहां तक कि जो पेंट एशियन पेंट्स बनाती है वैसे ही सिमिलर पेंट बाकी कॉम्पिटिटर्स भी बना रहे हैं। जैसे अगर हम प्रीमियम पेंट्स की बात करें तो जहां पर एशियन पेंट के पास अपना रॉयल है वहीं पर बर्जर के पास अपना सिल्क ग्लैमर है। ऐसी अगर इकोनॉमी कस्टमर्स की बात करें तो इकोनॉमी कस्टमर्स के लिए भी इन दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज एशियन पेंट्स के पास इंडिया के डेकोरेटिव पेंट्स मार्केट का ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर है, और उसके जो बाकी बचे हुए चार कॉम्पिटिटर्स है ना उनके पास मिलाकर जो मार्केट शेयर है वो है सिर्फ 26%। तो यहाँ पे सवाल ये कि जब प्रोडक्ट एकदम सेम है तो फिर आखिर एशियन पेंट्स ऐसा क्या कर रही है कि आज उनके पास अपने कॉम्पिटिटर्स से इतना ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर है। सो देखो, अगर आपको एशियन पेंट्स की इस कामयाबी को समझना है तो आपको इन तीन बिजनेस स्ट्रेटजीज को बहुत ही ध्यान से समझना होगा, जिसमें पहली स्ट्रेटजी है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आज अगर आप इंडिया की पेंट मार्केट को ध्यान से समझोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो 75% मार्केट है ना वो है डेकोरेटिव पेंट्स की, और जो बची हुई 25% मार्केट है वहां पर सारे इंडस्ट्रियल पेंट्स आते हैं। और अगर आप यहां पर एशियन पेंट्स के रेवेन्यू को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि उनका ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू सिर्फ डेकोरेटिव पेंट्स से आता है। मतलब कि आज आपको
एशियन पेंट्स की जितनी भी कामयाबी दिखती है उस सब के पीछे इंडिया के डेकोरेटिव पेंट्स मार्केट की मोनोपोली है। और अगर आपको डेकोरेटिव पेंट्स के मार्केट के अंदर मोनोपोली क्रिएट करनी है तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बिना ये कर पाना इम्पॉसिबल है। और ये जो बात है ना, ये एशियन पेंट्स को 1950s में ही समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जितने भी बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स होते हैं ना उन सबको रिमूव करवाया और डायरेक्टली जितने भी रिटेलर्स हैं उनके साथ अपने टाइप्स किए और अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली रिटेलर्स तक पहुंचाना शुरू किया। अब इससे फायदा क्या हुआ? पहला फायदा तो ये हुआ कि अब क्योंकि डायरेक्ट टू रिटेलर पहुंच रहा है प्रोडक्ट, तो जो रिटेलर है उसको प्रोडक्ट कंपैरेटिवली काफी ज्यादा सस्ते में मिल रहा है। सेकेंडली, जो रिटेलर है क्योंकि कंपनी उसको डायरेक्ट माल दे रही है और अच्छा मार्जिन भी दे रही है कमाने के लिए, तो अब रिटेलर ज्यादा एफर्ट लगाएगा कस्टमर से ये समझने के लिए कि आखिर मार्केट के अंदर कस्टमर चाह क्या रहा है, मतलब कि उसकी डिमांड कैसी है। अब इस चीज का रिटेलर क्या करेगा? तो रिटेलर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कंपनी के पास, जिससे कि कंपनी को ये पता लग जाता है कि आखिर डिमांड कौन सी है, आने वाले टाइम में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड्स बढ़ सकती है, और यहां तक कि जो भी हमारे पास कस्टमर्स है ना उन सारे कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है और क्या बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अब देखो, ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि ये 1950s चल रहा है और उस वक्त पर किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर का डेटा हासिल कर पाना बहुत बड़ी बात होती थी। अब डेटा आ गया कंपनी के पास, तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी उन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाएगी जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड या तो अभी है या फिर आने वाले टाइम में जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हो सकती है, जिससे कि उस कंपनी के जो इन्वेंट्री कॉस्ट है ना वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पर रिटेलर की भी इन्वेंट्री कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि उसके पास माल आता है और वो माल फट से बिक जाता है, क्योंकि माल वही बनाया जाता है जो कि इस वक्त कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं। और पता है, इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके जहां पर साल 1952 के अंदर एशियन पेंट्स का सिर्फ 2% प्रॉफिट मार्जिन था, उन्होंने 1962 आते आते इसको बढ़ाकर 13% कर दिया। एंड जाहिर सी बात है कि जब कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट आने लगा तो कंपनी ने बहुत ही तेजी से खुद को एक्सपैंड भी किया। एंड 1967 आते आते तक एशियन पेंट्स हमारे देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन चुकी थी। पर पता है, जब बाकी कॉम्पिटिटर्स ने एशियन पेंट्स के इस मॉडल की कामयाबी देखी तो उन्होंने भी एशियन पेंट्स के इसी मॉडल को कॉपी करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद एशियन पेंट्स कुछ ऐसा इनोवेटिव करती है जिसने उसे अपने सभी कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे कर दिया, और वो चीज थी एशियन पेंट्स की ये दूसरी बिजनेस स्ट्रेटजी जिसको कहते हैं इनोवेटिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो, साल 1970 में ना एशियन पेंट्स ने 8 करोड़ रुपए खर्च करे और एक मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदा, और उस वक्त पर 8 करोड़ रुपए किसी भी कंपनी के लिए खर्च करना बहुत बड़ी बात होती थी। एंड एशियन पेंट्स ऐसी पहली कंपनी बनती है जो कि एक कंप्यूटर के ऊपर इतना पैसा खर्च करती है। अब ऐसा किया क्यों गया? तो देखो, इसके पीछे का सिंपल रीजन था कि वो कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करके ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर कस्टमर की डिमांड एकदम प्रिसाइज तरीके से क्या होने वाली है, ताकि उनकी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है ना उसको और ज्यादा कम किया जा सके और उनके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से और बढ़ जाएं। इसके अलावा एशियन पेंट्स ने एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस भी तैयार किया, जिसका मतलब ये था कि अब जितने भी रिटेलर्स हैं जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं वो सब के सब अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और वो सारे के सारे ऑर्डर्स एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर एशियन पेंट्स के पास इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे उनको ओवरऑल भी पता हो कि आखिर क्या डिमांड है और इंडिविजुअली हर एक रिटेलर के यहाँ पे कितना माल पहुंचाना है वो भी पता हो। पर इससे क्या फायदा हुआ? तो देखो, होता ही है कि इससे जो ऑर्डर प्रोसेस करने की स्पीड है ना वो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज करना इजी हो जाता है क्योंकि अब डेटा की मदद से सब कुछ पता लग रहा है कि कहां पे क्या चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर सपोज, जयपुर के अंदर एशियन पेंट्स का कोई रिटेलर बैठा हुआ है। अब कंपनी पिछले 10-20 साल से उस रिटेलर के साथ काम कर रही है, तो कंपनी के पास पिछले 20 साल का डेटा पड़ा हुआ है और उसको ये भी पता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पर, पूरे साल के किस टाइम पर ये पर्टिकुलर रिटेलर हमसे कौन सा प्रोडक्ट डिमांड करता है और कौन सा प्रोडक्ट इसके यहाँ पर बिल्कुल नहीं भिजवाना जो बिल्कुल नहीं बिकता, प्लस कितनी क्वांटिटी में भिजवाना है तो एग्जैक्ट उतनी क्वांटिटी में ही भिजवाएंगे, और आने वाले महीने में उस जयपुर के रिटेलर को आखिर कौन से प्रोडक्ट की डिमांड पड़ने वाली है उस प्रोडक्ट की डिमांड को भी ये लोग पता लगाकर आज ही प्रोड्यूस करवा लेते हैं। अब इससे क्या फायदा? फायदा ये होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसका जो प्रोक्योरमेंट करना होता है वो भी टाइम पे हो जाता है, इसके अलावा प्रोडक्ट भी टाइम पे मैन्युफैक्चर हो जाता है, और जिस वक्त पर डिमांड बिल्कुल आने ही वाली होती है उससे पहले प्रोडक्ट तैयार होकर रिटेलर के पास पहुंच चुका होता है, तो ना तो ज्यादा रॉ मटेरियल स्टोर करना पड़ता है और ना ही फिनिश्ड पेंट, जिससे उनकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम रहती है। उसके बाद साल 2008 में कंपनी ने ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम को भी अडैप्ट किया,
क्योंकि आने वाला जो टाइम था वो था रोबोटिक्स का, जिसके बाद उन्होंने अपने रोबोटिक वेयर हाउसिंग को एंटरप्राइज रिसर्च एंड प्लानिंग यानी कि अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर दिया, जिससे कि एक्सेस इन्वेंटरी, बढ़ते हुए ऑपरेशनल कॉस्ट और यहाँ तक कि फैक्ट्री लेवल पर जितने भी लॉसेज होते हैं ना, उन सबको मैनेज करने में इन्हें बहुत मदद मिली। फिर आगे जाकर कंपनी ने S/4HANA नाम के एक ईआरपी सॉफ्टवेयर को भी अडैप्ट किया, जिसकी मदद से कस्टमाइज एंड रियल टाइम ऑफरिंग्स क्रिएट करके जो कस्टमर्स है ना उनको पर्सनल तरीके से टारगेट किया जा सकता है। एंड इनफैक्ट इस एक चीज से ना उनकी जो डेटाबेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वो भी 60% रिड्यूस हो गई। एंड आज की डेट में एशियन पेंट्स की 16 कंट्रीज के अंदर टोटल 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और ये सभी प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम एंड मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम इन दोनों चीजों के लिए ये कंपनी ऑटोमेटेड डेटा एनालिसिस और इंडस्ट्री 4 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। इनके हर एक प्लांट के अंदर जो मशीन्स है ना उनको सेंसर्स का इस्तेमाल करके मॉनिटर किया जाता है, जिससे कि कंपनी का मशीन साइकिल टाइम, उनकी एनर्जी कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और इक्विपमेंट फेलियर का प्रेडिक्शन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। फिर साल 2017 में एशियन पेंट्स ने JDS सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी के साथ मिलकर न्यू लॉट साइज एल्गोरिथम बनाना शुरू किया। इस एल्गोरिथम का बेसिकली काम ये था कि सारे के सारे डेटा को एनालाइज करके जितनी भी अननेसेसरी प्रोडक्शन होती है ना ये उसको कट डाउन करने में हेल्प करता है। एंड दिस इज हाउ जिस जमाने में कोई भी पेंट कंपनी टेक्नोलॉजी पे पैसा नहीं खर्च कर रही थी ना, वहीं पर एशियन पेंट्स ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और अपनी रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेकर प्रोडक्शन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक हर एक चीज के अंदर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज किया, जिससे कि उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े और जब प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े तो कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा स्पीड से एक्सपैंड करने में आसानी मिली। पर पता है एशियन पेंट्स की जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट की कहानी है ना ये यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि कंपनी को ये पता है कि उसके जितने भी रिटेलर्स हैं ये सब के सब सिर्फ 3-5% के मार्जिन के ऊपर ही ऑपरेट करते हैं, तो अगर उनको अच्छा पैसा कमा कर देना है तो उसके लिए जरूरी है कि सारे रिटेलर्स की जो इन्वेंटरी है ना वो बहुत ही तेजी से घूमे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज किसी रिटेलर के पास 1,00,000 रुपए का पेंट का माल आया और उसने 5 दिन लगाए इस माल को बेचने के लिए, तो टेक्निकली उसने पूरे महीने के अंदर मिलाकर करीब 6,00,000 रुपए की सेल करी। अब यहाँ पर अगर हम 4% का भी मार्जिन पकड़े तो जो रिटेलर है उसने सिर्फ 24,000 रुपए कमाए। लेकिन अगर यही इन्वेंटरी फास्ट मूव करे, मतलब कि 1,00,000 रुपए का माल आया और 2 दिन में बिक गया, तो यहाँ पर उसने मोटा मोटा पूरे महीने के अंदर 15,00,000 रुपए का माल बेचा। और यहाँ पर अगर हम सेम प्रॉफिट मार्जिन पकड़े यानी कि 4% का, तो उसने 24,000 की जगह 60,000 रुपए कमाए। और ये बात एशियन पेंट्स को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए जहां पर बाकी पेंट कंपनीज 10 से 20 दिन के बीच में एक बार माल भिजवाती है, वहीं पर एशियन पेंट्स एक दिन में कम से कम 3-4 बार माल भिजवाती है अपने रिटेलर्स के पास। अब 3-4 बार क्यों करती है? तो देखो 3-4 बार इसलिए करती है क्योंकि कंपनी वही माल पहुंचाती है रिटेलर के पास जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से बिकता हो, जिससे कि रिटेलर को 2 फायदे होते हैं। पहला तो वो ज्यादा पैसे कमा पाता है और दूसरा फायदा होता है कि उसको बहुत ज्यादा इन्वेंट्री नहीं स्टोर करनी पड़ती। पर पता है अपने इन रिटेलर्स की जो इन्वेंट्री की प्रॉब्लम है ना, इसको और एक नेक्स्ट लेवल पर सॉल्व करने के लिए एशियन पेंट्स टिंटिंग मशीन्स का यूज करती है। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी रिटेलर को अलग अलग कलर्स नहीं भिजवाती, बल्कि वो बहुत ही बल्क क्वांटिटी में डीलर को देते हैं सिर्फ व्हाइट पेंट और साथ में इन डीलर्स को मिलते हैं पिगमेंट्स। तो करना कुछ नहीं होता, इन पिगमेंट्स को व्हाइट पेंट के साथ मिलाना होता है और उसको टिंटिंग मशीन में डालना होता है और जो भी कलर कस्टमर ने मांगा है ना वो कलर बनकर बाहर निकल जाता है। इससे होता ही है कि 10-15-20 अलग अलग कलर्स को स्टोर करने की जो इन्वेंटरी कॉस्ट है वो कम हो जाती है। पर ये चीज तो एशियन पेंट्स के बाकी कॉम्पिटिटर्स जैसे कि नेरोलैक और बर्जर भी करते होंगे, राइट? डेफिनेटली करते हैं। पर यहाँ पर जो एक्चुअल कैच है ना वो कैच है नंबर ऑफ मशीन्स का, क्योंकि जहाँ पर आज एशियन पेंट्स के पास 50,500 टिंटिंग मशीन्स हैं, वहीं पर बर्जर और नेरोलैक इन दोनों कंपनीज को मिलाकर भी सिर्फ 46,000 मशीन्स हैं। और आज इनके पास 70,000 से ज्यादा डीलर्स और 600,000 से ज्यादा रिटेलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। वहीं पर अगर आप बर्जर को देखोगे तो उनके पास सिर्फ 25,000 डीलर्स हैं। पर ये तो हुए डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेंटरी मैनेजमेंट की बात, लेकिन अगर एक्चुअली में कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में टिकना है तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट्स को पसंद करे। अब ये कैसे होगा, तो देखो ये चीज करने के लिए एशियन पेंट्स यूज करता है अपनी इस तीसरी बिजनेस स्ट्रेटजी को, जिसको कहते हैं कस्टमर सर्विस। एशियन पेंट्स है ना 1980s में ही अपने सारे एम्प्लॉयज को पीसी यूज करना सिखा दिया था और 1990s में जाकर उन्होंने अपना पहला कस्टमर हेल्पलाइन नंबर एस्टेब्लिश किया, जिससे कि हुआ ये कि जो कस्टमर्स है ना उनके साथ रिलेशन बनाना और ज्यादा इजी हो गया। इसके अलावा कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कई सारे एक्विजिशंस करे ताकि वो होम डेकोर और लाइटिंग इन दोनों सेगमेंट्स के अंदर अपनी कस्टमर सर्विस को और
ज्यादा बेटर बना पाए। यहाँ तक कि अपनी क्वालिटी और इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए उन्होंने इस दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव कोटिंग मैन्युफैक्चरर जो कि थी पीपीजी, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश किया। और यही कारण है कि अगर आप इंडस्ट्रियल पेंट के सेगमेंट में भी देखोगे तो वहां पर भी एशियन पेंट्स आज एक अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करता है। और यही चीज लेकर आती है हमको इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन हैं जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला लेसन है नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। एशियन पेंट्स साल 1967 में पूरे इंडिया की पेंट मार्केट का लीडर बन चुका था, लेकिन तब भी वो लोग आज तक कंसिस्टेंटली काम करते हुए हैं। हर एक चीज के ऊपर कंसिस्टेंटली इनोवेट किया, अपने रिटेलर्स को खुश रखा और हर एक चीज के ऊपर काम किया। उस वक्त पर भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जब कोई नहीं कर रहा था, और आज भी कंसिस्टेंटली करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से तब से लेकर आज तक इस कंपनी को कोई भी कंपनी बीट नहीं कर पाई है और ये अभी भी मार्केट लीडर बन के बैठी है। फिर आता है ये दूसरा बिजनेस लेसन, अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स इन द बिजनेस। एशियन पेंट्स ने अपने पार्टनर्स को समझा, सबसे पहले तो उनके जितने भी बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स थे उन सबको साइड किया और अपने रिटेलर्स के ऊपर फोकस किया, और इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि हमारा जो रिटेलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता है, क्योंकि अगर वो खुश होगा ना तो हमारा माल बिकने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो हर एक रिटेलर जो एशियन पेंट्स का माल बेच रहा है ना, वो खुद हर एक कस्टमर को रेकमेंड करता है कि आप एशियन पेंट्स लीजिए। सेम इसी तरीके से आप भी अपने बिजनेस में ढूंढ सकते हो कि आपके बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं और किस किस के साथ पार्टनर करके आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, और अगर वो खुश हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी पैसा कमाओगे। लेकिन पता है बहुत बार ही ऐसा होता है कि जो दिखता है ना वो होता नहीं है, और ये सेम चीज हुई है अडानी ग्रुप के साथ। आज की डेट में हर एक बंदा कह रहा है कि जिस कंपनी को उससे पहले कभी भी कोई भी एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, आज उन्हें 6 एयरपोर्ट्स क्यों दे दी गए हैं, ये एयरपोर्ट इनको मिले कैसे, और सबसे बड़ी बात कि क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है या फिर ये सारी चीज़ें लीगल तरीके से हुई हुई हैं, ये सब कुछ आखिर हुआ कैसे, अडानी ग्रुप ने किया क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप भी डिटेल में समझना चाहते हो ना तो ये राइट वाली वीडियो ज़रूर से देखना।